फुटबॉल में। खरीफ क्रॉप का कल्टीवेशन कब होता है? तो अप्रैल मई में। मीन्स अब ये इसके कल्टीवेशन और हार्वेस्टिंग, इसके कल्टीवेशन और हार्वेस्टिंग, ये दोनों के हार्वेस्टिंग के बाद का टाइम और कल्टीवेशन से पहले का टाइम जो बचता है, उस बीच में जिस क्रॉप का कल्टीवेशन होता है उस क्रॉप को हम लोग बोलते हैं जैड क्रॉप। मीन्स रबी क्रॉप किसको बोलते हैं? तो सोन इन सितंबर अक्टूबर। खारिश क्रॉप किसको बोलते हैं? तो सोन इन अप्रैल मई। मीन्स क्रॉप्स विच आर सोन इन सितंबर अक्टूबर आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स, व्हाइल द क्रॉप्स विच आर सोन इन अप्रैल मई आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप, व्हाइल द क्रॉप विच आर ग्रोन बिटवीन द टाइम पीरियड और द इंटरवल ऑफ द हार्वेस्टिंग ऑफ रबी क्रॉप एंड कल्टीवेशन ऑफ खरीफ क्रॉप और द हार्वेस्टिंग ऑफ खरीफ क्रॉप एंड द कल्टीवेशन ऑफ रबी क्रॉप इज कॉल्ड जैड क्रॉप। ये दोनों के बीच का, ये जब हार्वेस्टिंग हो रहा और इसको कल्टीवेट किया जाएगा, इस दोनों के बीच में जो टाइम बचेगा उस बीच में जिस क्रॉप का कल्टीवेशन किया जाता है उस क्रॉप को बोला जाता है जायद क्रॉप। उस क्रॉप को क्या बोला जाता है? जायद क्रॉप। ओके, तो रबी क्रॉप का, खरीफ क्रॉप का यदि हम लोग एग्जाम्पल का बात करेंगे तो रबी क्रॉप में आ जाएगा हमारा कैबेज, कॉलीफ्लावर्स, बीन्स, पीज, ये सारे चीज आ जाएंगे। देन आफ्टर व्हीट, ओट्स, बार्ली, ये सब आ जाएंगे। रबी क्रॉप्स में क्या क्या आ जाएगा? व्हीट, बार्ली, कैबेज, एटीसी। और यदि खरीफ क्रॉप का बात करें तो इसमें आ जाएगा तुम्हारा राइस, ग्राउंडनट, पंपकिन, मिलेट, मेज, ब्रिंजल, गॉड, ये सब। खरीफ क्रॉप का यदि बात करें तो एग्जांपल इसका क्या हो जाएगा? राइस, मेज, मिलेट, पंपकिन, इत्यादि। जायद क्रॉप का बात करें यदि तो इसमें आ जाएगा वाटरमेलन, ककंबर, ये सब आ जाएगा जायद क्रॉप में। ओह नो, ये तो लिखा है, हो गया। यदि जायद क्रॉप का बात करें तो जायद क्रॉप का एग्जांपल क्या आ जाएगा? वाटरमेलन, ककंबर, इत्यादि। ओके, तो यहां तक कोई डाउट किसी को? नो डाउट, इट्स क्लियर। ओके, नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सीजन। तो सीजन ऑन द बेसिस ऑफ कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, रबी सीजन एंड खरीफ सीजन। सीजन कितना तरह का होता है? तो सीजन दो तरह का होता है। सीजन कितना तरह का होता है? दो तरह का होता है। कौन कौन सा सीजन? तो सीजन
सीजन ऐसा सीजन जिसमें खरीफ क्रॉप का कल्टीवेशन हो उसको खरीफ सीजन बोलते हैं, ठीक है। रबी सीजन किसको बोलेंगे? तो रबी सीजन स्टार्ट होता है नवंबर से और खत्म हो जाता है अप्रैल। रबी सीजन का यदि बात करें तो नवंबर टू अप्रैल, वही अक्टूबर नवंबर से अप्रैल मई, ठीक है, रबी सीजन। और खरीफ सीजन का यदि बात करें हम लोग तो खरीफ सीजन कब से कब स्टार्ट होगा, कब खत्म होगा, तो जून टू अक्टूबर, ये अप्रैल मई में फिनिश होता है, ये हो गया कब, तो जून टू अक्टूबर, ये हो गया आपका खरीफ सीजन। और इस तरह से हम लोगों का ये टॉपिक खत्म। नाउ वी हैव टू प्रोवाइड प्रॉपर केयर टू द क्रॉप्स व्हिच वी आर जस्ट ग्रोइंग। हम लोगों को जो प्लांट कल्टीवेट कर रहे हैं उसको प्रॉपर केयर प्रोवाइड करना है, उसके लिए क्या क्या करेंगे, तो हम लोग जो है प्लांट के अच्छा से ग्रोथ होने के लिए क्या करते हैं, तो मैन्योर का यूज करते हैं, फर्टिलाइजर का यूज करेंगे, इरिगेशन करेंगे, इंसेक्टिसाइड्स यूज करेंगे, पेस्टिसाइड्स यूज करेंगे, वीडिंग करेंगे, वीडिंग किसको बोलते हैं, तो वीड्स, वीडिंग मतलब क्या होता है, टू रिमूव वीड्स फ्रॉम द कल्टीवेटेड लैंड। अब कल्टीवेटेड लैंड से किसको रिमूव करना है, वीड्स को। वीड्स किसको बोलते हैं, तो वीड्स मतलब अनवांटेड प्लांट्स ग्रोन नियर द क्रॉप्स। जो हम लोग क्रॉप लगाए हैं उस क्रॉप के नजदीक जो नहीं छोटा 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 वो घास वगैरह अनवांटेड प्लांट ग्रो कर जाता है उसको हम लोग बोलते हैं वीड्स। और उस वीड्स को यदि नहीं हटाएंगे तो प्लांट प्रॉपरली ग्रो नहीं करेगा। क्यों नहीं ग्रो करेगा, तो सिंपल देखो, अब जैसे मान लो कि ये तो निकम्मा है, इसका कोई काम तो है नहीं, वीड्स का क्या काम है, हम लोग कोई यूज करते हैं उसका नहीं, यूज तो हम लोग के लिए क्रॉप है, तो अनयूजफुल चीज को क्यों रखेंगे भाई, हटा देंगे, फेंक देंगे। जस्ट सिंपल सा बात है, अपने घर में मान लो हम लोग जो है दो भाई है, ठीक है, जो भी चीज पॉपल आ रहा है दो भाई पर क्या रहा, पॉपल आए 10 रसगुल्ला, 5 रसगुल्ला हमको, 5 मेरे भाई को, पॉपल आए 1 केजी चिकन, हाफ केजी चिकन मुझे, हाफ केजी चिकन मेरे भाई को, पापा पढ़ाएंगे संत माइकल स्कूल में मुझे, डॉन बॉस्को में उसको, पैसा जितना होगा। अब जो है जो भी चीज ला रहे हैं पापा उसमें दो हिस्सा में बढ़ जा रहा है, अब क्या होगा, सारा हम लोग का है, हम लोगों के लिए पापा यूजफुल, पापा के लिए हम लोग यूजफुल। अब क्या होगा कि बीच में एक मामा का बेटा टपक गया हमारे घर पे, इसका बेटा मामा का बेटा फूगा फूगा किनका किनका होता है, कोई का टपक गया, दो चार दिन के लिए नहीं, गेस्ट के रूप में नहीं टपके हैं, वो परमानेंट गेस्ट के रूप में टपके हैं, ठीक है, तो वो आए आया और यहां रहने लगा। अब क्या होगा, पापा पहले जैसा ही 10 लाते थे 10 ही रसगुल्ला लेकर आएंगे, पहले मिलता था 5 मुझे 5 मेरे भाई को, अब क्या होगा, 3 मुझे 3 उसे 3 उसको 1, फिर इधर उधर होगा जो भी होगा, चाहे हो सकता है 4, मगर 5 से तो कम ही मिला ना, 1 केजी चिकन आएगा आधा केजी
जबकि उसका कोई यूज नहीं है मेरे लिए, तो क्या करूंगा मैं? रामा कोशिश करूंगा ना, भागो जल्दी से भागने की कोशिश करो, भागो जाओ जाओ नानिया अपने घर पे जाओ। कोशिश करेंगे, तरीका निकालेंगे कैसे भगाना, मारपीट करेंगे, झगड़ा लड़ाई करेंगे, फोड़ फाड़ देंगे, कैसे भी भगा कर छोड़ेंगे। और जैसे ही भाग जाएगा वो, फिर से मुझे वैसे ही मिलने लगेगा हम लोगों को, और हम लोग अच्छा से ग्रो करेंगे, ठीक है? तो दैट इज वेट्स, उसको हम लोग बोलते हैं वेट्स। अनवांटेड प्लांट विच ग्रो नियर द यूजफुल क्रॉप्स, क्रॉप्स के नजदीक जो अनवांटेड प्लांट ग्रो कर जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं वीड्स। और उसको रिमूव करना काफी जरूरी होता है, यदि रिमूव नहीं करेंगे तो जैसे हमारे केस में यहां हुआ वैसे प्लांट के केस में। अब एक बात बता, प्लांट एक रहे या दस रहे, सनलाइट तो जितना आ रहा उतना ही आएगा, सिंपल। एक रहे या दस रहे, पानी जितना दिए वो तो उतना ही देंगे, सॉइल फर्टिलिटी जो है वो तो उतना ही है ना। उसी में से अब ये भी बंटवारा कर ले रहा है, ये भी ले ले रहा है, तो इसके कारण इसको कम न्यूट्रिएंट्स मिलेगा ना क्रॉप को। कहां गया बेचारा ये क्रॉप, मिल ही नहीं रहा है, खो गया डर के मार से। हाँ ये क्रॉप को तो कम मिल रहा है ना, और जब इसको कम मिलेगा ग्रोथ सही से होगा नहीं होगा ना, जैसा चाह रहे हम लोग वैसा होगा नहीं होगा, और जैसा चाह रहे थे वैसा नहीं होगा, तो फिर क्या हो गया ना, बात फंस गया ना मैटर यहीं पर कि ये बढ़िया से ग्रो नहीं किया, और हम लोग इतना मेहनत किए थे, इरिगेशन किए थे, फर्टिलाइजर दिए थे, मैन्योर दिए थे, बाप रे इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड पेस्ट को रिमूव करने के लिए पेस्टिसाइड छिटे, इंसेक्ट को किल करने के लिए इंसेक्टिसाइड छिटे, इतना मेहनत किए, प्लाइंग किए, लेबलिंग किए, सारा कुछ किया, सारा बेकार हो जाएगा यदि क्रॉप बढ़िया से ग्रो नहीं करेगा, इसका क्या आचार डालेंगे। और इसीलिए हम लोग जैसे ही वीड्स आता है उसको क्या कर देते हैं, उखाड़ कर फेंक देते हैं या फिर वीडिसाइड्स छिड़क देते हैं, मर जाता है सारा। ओके नाउ इन दिस वे वी हैव फिनिश्ड द चैप्टर 1 ऑफ क्लास 5 इन साइंस, वी विल लर्न अनदर चैप्टर इन नेक्स्ट क्लास। ओके।